आज आप सबके सामने चर्चा में अपना विषय रखने के लिए हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के उधमपुर संसदीय क्षेत्र से ऑनरेबल बड़ी विस्तृत चर्चा रही है बंधु, अभी थोड़े समय पहले लगभग डेढ़ घंटा गोष्ठी चली, तो सारी बात को फिर से दोबारा दोहराना शायद संभव भी ना हो, लेकिन मोटे तौर पर एक आध बिंदु रखकर यदि आपके मन में कुछ इस प्रकार का विचार है तो उसका स्वागत रहेगा। मोटे तौर पर संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है कि ये चूंकि 10वां बजट था मोदी सरकार का, वर्ष 10 के 10 बजट्स में मुझे स्वयं भी वहाँ उपस्थित रहने का अवसर रहा, बिगिनिंग फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट वोट ऑन अकाउंट्स प्रेजेंटेड इमीडिएटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओवर 2014 बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। अगर आप इन सारे 10 के 10 बजट्स को देखेंगे एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से तो आपको ध्यान में आएगा कि इसमें एक निरंतरता है, एक कंसिस्टेंसी है, एंड देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन अप्रोच, देयर इज कन्विक्शन इन अप्रोच, देयर इज ऑल्सो करेज इन अप्रोच। सो आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग दीज थ्री सीज आर द कॉन्स्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर इन ईच ऑफ द सक्सेसिव बजट्स, एंड ईच सक्सेसिव बजट हैज अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लेड इंडिया फॉरवर्ड टूवर्ड्स एज्यूमिंग अ ग्लोबल रोल। और इस बजट को जहाँ एक और आप कह सकते हैं कि इस दशक का बजट है, क्योंकि दुनिया कह रही है कि इट इज इंडियाज डेकेड, 2021 से लेकर के 2030 तक की डेकेड भी कहते हैं, और साथ ही साथ ये क्वार्टर सेंचुरी का भी बजट है, 2022 से लेकर के 2047 तक के कालखंड का। एंड व्हेन दिस डेकेड एंडिंग इन 2030 विल प्लेस इंडिया इन द फ्रंट लाइन बाय 2047 इंडिया वुड हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड द फ्रंट लाइन रोल। और उसी दृष्टि से एक अर्थव्यवस्था का निर्माण, क्योंकि यदि हमें भौगोलिक भूमिका निभानी है तो हमें भौगोलिक मापदंडों पर भी उतरना होगा। और फ्यूचरिस्टिक बजट जब आप कहते हैं तो उसके मुख्य तौर पर दो पहलुओं के, एक साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ इनोवेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका ना रहती, और दूसरी तरफ अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल। अगर आप इसको विस्तार में पढ़ेंगे, मैं चाहूँगा कि इसका अध्ययन गहराई से किया जाए, चाहे फार्मिंग सेक्टर है, वहाँ केमिकल फ्री फार्मिंग की बात की गई, चाहे ड्रोन शक्ति है स्टार्टअप्स के लिए, सस्टेनेबल ट्राफ स्टार्टअप्स की बात की जा रही है, और सड़कों के निर्माण 25,000 किलोमीटर की सड़कें, कैपेक्स की वृद्धि कर दी गई है 7.2 लाख करोड़। और जहाँ तक अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स का ताल्लुक है, अर्थ साइंस के विभाग को लगभग 2500 करोड़ एलोकेशन इन एडिशन टू 4000 करोड़ विच वॉज ऑलरेडी देयर इन डीप सी मोशन। क्योंकि आपको शायद ध्यान में आया हो कि नहीं, वो भारत एक कुल मात्र एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसके नाम पर एक समुद्र का नाम रखा गया इंडियन ओशन। मैं भी सोच ऊपर यही बात, कंट्री इज सब कॉन्टिनेंट इज अ कॉन्टिनेंट ऑल्सो एन आईलैंड बट डजंट हैव द ओशन नेम, और जिन्होंने रखा होगा उनको अंदाज होगा कितनी संपत्ति इस समुद्र में छिपी हुई है। उसकी तरफ भी हमारा मिशन शुरू हुआ है डीप सी मिशन, इतफाक से वो भी मेरा ही विभाग है, साथ ही साथ हमारा स्पेस मिशन वो अनलॉकिंग कर दिया गया है पिछले 2 साल में, उसकी तरफ भी मोदी जी ने ही पिछले टैबूज हटाए हैं। और जहां तक जॉब्स की बात की जाती है कि जॉब्स क्या है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी हम सब योगदान करें कि हमारी मानसिकता से जब हम जॉब की बात करते हैं लगता है सरकारी नौकरी, लेकिन देयर इज अबंडेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब जनरेशन इन दिस बजट। अर्थशास्त्री कोई आपको समझाएगा अगर शोध किया हो कि ये जो 5.5 लाख करोड़ से बढ़कर के केवल 7.2 लाख करोड़ हो चुका है, अक्सर ये आंकड़ा लगाया जाता है कि 40% बोझ इन जॉब जनरेशन, और इस आंकड़े में से देखिए 3 लाख करोड़ तो सिर्फ इसी में से जॉब जनरेशन होगी, उसके अतिरिक्त स्टार्टअप्स सस्टेनेबल स्टार्टअप्स। आपने देखा हमारे बच्चों ने हमारे विभाग के द्वारा उस दिन वो प्रदर्शन किया जो मीटिंग रिट्रीट में 1000 ड्रोन आकाश में उसमें उजाला किया और चौथा देश बन गया भारत। अभी यही ड्रोन इंडस्ट्री के साथ भी जुड़ेंगे, दीज आर दी न्यू स्टार्टअप एवेन्यूज, लेकिन उसके लिए हमें उस तरह की प्रतिभा भी रखनी होगी, इनोवेशन भी रखनी होगी। दिस इज गोइंग टू बी एन इकोनॉमी ऑफ आइडियाज, इकोनॉमी ऑफ फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, इकोनॉमी ऑफ इनोवेशन, एंड देयर इन लाइज अबंडेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैं कह रहा था एक बच्चे ने हमारे ने ड्रोन बेचा है कहीं सिक्योरिटी वालों को, तो उसको कहा गया कि साहब हमें सुपरविजन के लिए तुम्हें साथ रहना होगा, कड़ी ठंड में दिसंबर के महीने में जो कोहरा पड़ा था आपने भी देखा, सुबह 6 बजे से रात तक बैठा रहता था सिक्योरिटी फोर्सिंग साहब अपनी ड्रोन की चेकिंग, और अब वही ड्रोन इंडस्ट्री में भी जाएगा। अपॉर्चुनिटी मच मोर लुक्रेटिव देन अ गवर्नमेंट जॉब।
इस बजट में उसका, इसी तरह फार्मिंग सेक्टर में, इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर का, इसी तरह डेयरी सेक्टर का। और कहने का तात्पर्य ये कि आने वाले समय में जैसे जैसे और कोविड के बाद भारत ने जिस प्रकार की भूमिका बनी है, मोदी जी देश विश्व के सबसे अधिक कद्दावर नेता बनकर के सामने आए हैं। दी वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू इंडिया, दी वर्ल्ड इज ऑल्सो रेडी टू बी लेड बाई इंडिया, टू बी रेडी टू बी लेड बाई अस। द क्वेश्चन इज वेदर वी आर रेडी। ये वो बजट है जो अगले 25 वर्षों में, बल्कि उससे पहले ही, भारत को उस भूमिका के लिए तैयार करेगा जिस भूमिका में भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु भी कहलाएगा, विश्व मूर्ति भी कहलाएगा और विश्व नरेश अथवा विश्व नेता भी कहलाएगा। तो सत्यपाल मलिक जी से आप पूछे, मुझे तो मालूम नहीं। बॉर्डर बटालियन तो मतलब राजा सिंह जी ने उसके लिए पूरा निकाला था, बॉर्डर बटालियन ने बच्चों का एग्जाम हुआ, उनको उनका आगे एग्जाम नहीं हो रहा, तो काफी प्रोटेस्ट हुआ, वो लोग सर। मुझे पीछे की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता। मैंने जैसे कहा कि हमारी तरफ से DOPT की तरफ से बार बार कहता हूँ कि मेरिट विल बी बेस्ड ओनली ऑन रिटन टेस्ट, इंटरव्यू खत्म कर दिए गए, ड्राइविंग फिटनेस ये क्वालिफाइंग है। और अगर एक बच्चा भी गरीब घर का, मैंने उस दिन कठुआ में कहा गरीब घर, जब नर्सर्स ने स्ट्राइक की, गरीब घर का एक भी बच्चा रिटन टेस्ट के बेसिस पर मेरिट में आता है तो हम उसके साथ खड़े होंगे। अगर 1000 लोग प्रदर्शन करेंगे तो हम उसके साथ।